सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, मैं देवेंद्र गौतम हिसाली सम्मान एक अधिकार द्वारा आज अपने मुरादनगर के पार्क पर हूँ। और आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये हमारा मुरादनगर का पार्क है, इस पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर इसके अंदर पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर। ये मेन जीटी रोड पर है, जिस पर ये जो आप देख सकते हैं हमारा एक कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है मुरादनगर के अंदर, तो इसमें आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये मेरे साथ हैं परम पूज्य बाबा साहब, और जिनको आज मैं नमन करने के लिए आया हूँ एक विशेष चर्चा पर। तो पहले तो मैं बाबा साहब को, क्योंकि मेरे पास में मोबाइल और कैमरा दोनों है, बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने में आया हूँ कि बाबा साहब की बदौलत आज हम सब लोग जो हैं वो यहाँ इस देश के अंदर कार्यरत हैं। साथियों, आज एक विशेष चर्चा ये है कि आज के दिन हमारे इतिहास में, हमारे देश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उसका एक विषय है, एक विशेष है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होने के नाते हम वो स्थान नहीं दिला पाए जो स्थान हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दिलाना था। उसकी एक विशेष चर्चा पर मैं आज यहाँ हूँ आपको कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को आज के दिन एक मंत्र दिया था, और वो मंत्र खास कर इस देश के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिज्ञ सभी लोगों को दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये वो मंत्र है जिस मंत्र ने इस देश की कायाकल्प कर दी। हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, हमारे समाज को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं, हमारे समाज को किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था। और इस मंत्र को मंत्र इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो आज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दी थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो इस पर हमारे समाज के जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस करा और देश के सभी लोगों ने प्रोग्रेस करा। लेकिन जो प्रोग्रेस हमारे समाज को खासकर करना था वो अभी हमारा अधूरा है। कारण है कि हमारे जो लोग हैं वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था, जमीन जायदाद का अधिकार नहीं था, राजनीति का अधिकार नहीं था, किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था। तो ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो मंत्र दिया वो मंत्र था 19 जुलाई 1942 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना आज के दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करी थी। और मुंबई के अंदर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ऐ मेरे समाज के युवाओं, एक रोटी कम खाना हाथ पर खा लेना, लेकिन आप सब लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा कर अच्छे से अच्छा अपटूडेट बनाएं, क्योंकि हमारे समाज का जो शोषण हुआ वो शोषण अशिक्षा के कारण हुआ। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। लेकिन इसका जो मेन चीज़ थी वो ये है कि बाबा साहब ने कहा तो था अनपढ़ लोगों को, कमज़ोर लोगों को, सभी लोगों को, क्योंकि जनरल कास्ट के लोग तो ऑलरेडी पहले से पढ़े लिखे हैं और आज भी वो पढ़ लिख रहे हैं और अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, और देश के हर समाज के व्यक्ति को पढ़ना लिखना चाहिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, ताकि समाज और देश तरक्की कर सके। हम सब लोग देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कार्य पर, जिस चीज़ पर हमारा देश के अंदर सबसे बड़ा सम्मेलन होना चाहिए था, जिसकी जागृति गांव-गांव होनी चाहिए थी, वो जागृति हम लोग नहीं कर पाए, दूसरों को दोष नहीं दे सकते हम। साथियों, आज सभी को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस मंत्र को देश के लिए दिया, युवाओं के लिए दिया, बहन बेटियों के लिए दिया, समाज को दिया, शोषित वंचित पढ़े लिखे सभी लोगों के लिए कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो उसे आगे बढ़ाना है।
और एक बात बाबा साहब ने कही थी कि मेरे संघर्ष का फायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन मेरी आवाज़ जो गांव-गांव जानी चाहिए थी वो आवाज़ गांव-गांव नहीं पहुंची, इसका मुझे बहुत अफसोस है। ये स्पीच परम पूज्य बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 आगरे में दी थी। तो साथियों, मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप सब लोग पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें जो भी हो सके। साथियों, इस पर मैं विशेष एक चर्चा आप लोगों के बीच करना चाहूँगा कि वो चर्चा ये है कि एक तो जब से ये फेसबुक चली है इसका हमें फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ है। सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जितने भी स्टूडेंट लड़की लड़के हैं या सामाजिक हैं या धार्मिक हैं, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं वो फेसबुक पर से उन लोगों को हटा दें जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, किसी जाति के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे वो गैर समाज का हो। तो आप सभी और स्टूडेंटों से तो मेरा खासकर निवेदन है कि अपनी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपनी नौकरी पर दें, और नौकरी अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस दें, और बिजनेस नहीं है तो राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हिंदी जो इंडियन फिल्में होती हैं उन फिल्मों का सबसे ज़्यादा बहिष्कार करें, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से केवल केवल इन लोगों को फ़ायदा हुआ है। हमारे समाज का एक से एक बड़ा अधिकारी है, एक से एक बड़ा अफसर है, लेकिन कभी भी उसको कभी हाईलाइट करके नहीं दिखाया जाता। जैसे राठौर जी आ गए, शर्मा जी आ गए, वर्मा जी आ गए, चौधरी जी आ गए, कितने ही लोगों को इनको जो है वो दिखाते हैं, इंस्पेक्टर आ गया, IPS आ गया, डॉक्टर आ गया, यही श्रेष्ठ हैं देश के अंदर। हमारे लोग श्रेष्ठ नहीं है देश के अंदर। तो इंडियन फिल्मों का पूरा बहिष्कार करें, अपने बच्चों को जापान की, थाईलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, श्रीलंका की, अमेरिका की, जो देश के इंडिया से बाहर की है, उन फिल्मों को दिखाएं ताकि उनके अंदर मनोबल बढ़े। इंडियन फिल्मों का तुरंत बहिष्कार करें, चाहे वो फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमारे मनोबल तोड़ने के लिए ही फिल्में बनाई जाती हैं, वहीं लोगों को नीचा दिखाने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। तीसरी बात, एक हमारे समाज के जो नेता लोग हैं वो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मसीहा मसीहा मसीहा, यानी कि कोई भी व्यक्ति गैर समाज का हमारे समाज में जरा सा कुछ कर दिया तो उसे गैर मसीहा का दर्जा प्राप्त करा देते हैं कि ये आया दलितों का मसीहा, ये आया चमारों का मसीहा, ये आया चूड़ों का मसीहा, ये जितने मसीहा हमारे हैं वे सारे के सारे हमारे लिए बने हैं मसीहा, हम कभी किसी के मसीहा नहीं बनेंगे। मेरे पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हैं, आप देख रहे हैं। मेरा ये सभी से निवेदन है, चाहे वो नेता हो चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो, मसीहा शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। कितना भी बड़ा नेता हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कोई भी हो, हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, हमारे भगवान भगवान बुद्ध हैं। तीसरा, इसमें कोई भी आदमी मसीहा शब्द नहीं इस्तेमाल करे। चौथा नंबर, एक बात मैं और बता दूँ कि आप सब लोग बाबा साहब की विचारधाराओं को गांव-गांव में फैलाने का प्रयास करें जितना भी आपके पास टाइम हो, क्योंकि बाबा साहब एक बात और भी कहते हैं कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। आप सब लोग अच्छे अच्छी पोस्टों पर जाएं, अच्छा अच्छा काम करें, जो भी समाज की गंदगी है उसे साफ करने का प्रयास करें। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मान एक अधिकार जो मिशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चलाता है, तो उसी में आप सब लोगों को स्वागत है, और आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस जो हमारे लिए आज्ञा कह सकते हैं, हम उसे मंत्र कह सकते हैं देश के लिए, जो उन्होंने शक्ति दी है कि शिक्षित बनो संगठित रहो, तो हमें ये टारगेट लेकर चलना है कि हमें अपने समाज का, हमने पूरे देश की ठेकेदारी नहीं ले रखी, हमें नहीं मतलब कोई पढ़ो या लिखो या मरो या गिरो, चाहे हिंदू मरो या मुसलमान मरो, रोज लड़ो, लेकिन हमें अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा शिक्षित बनाना है। जो हमारे आदरणीय टीचर हैं वो ये विशेष ध्यान रखें कि पढ़ाई के बाद में भी उनकी कोचिंग आप करा सकते हैं थोड़ी बहुत, जो डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जैसे भी जिसकी क्वालिटी है उस क्वालिटी पर अपने समाज को, हमें विश्व का सबसे समाज घोषित करना है। इस भारत का सबसे श्रेष्ठ पढ़ा लिखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोअर, भगवान बुद्ध का अनुयायी, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। बाकी बातें बाद में होंगी और आगे चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा मिशन गांव-गांव चलने जा रहा है, और आप सब लोग भी जहां से भी हों, जिस भी पार्टी से हों, किसी भी से भी हों,
आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना, सम्मान एक अधिकार की तरफ से शुभकामना, और साथ ही एक नारा और देना है हमें, क्योंकि मैं इसे डालना नहीं चाह रहा, तभी डालना चाह रहा है कि आरक्षण बढ़ाओ, संघर्ष जारी करो गांव-गांव के अंदर, क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम ने कहा था जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमें दूसरे समाज से कोई मतलब नहीं है, ना हमें जनरल कास्ट से मतलब है, ना हमें ओबीसी से मतलब है, हमें मतलब है एससी समाज से। एससी समाज की आबादी है, इसको बढ़ाएं, इसे खूब बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और इसके लिए आरक्षण बचाओ नहीं, आरक्षण बढ़ाओ संघर्ष समिति का जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि देश के अंदर हमारी कम से कम 40% हिस्सेदारी होनी ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से देवेंद्र गौतम इसाली मुरादनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद की तरफ से आप सभी को आज के पवित्र दिन शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो की हार्दिक शुभकामना। नमो बुद्धाय, जय भीम।